सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपे कार्ड भी देश का गौरव बढ़ा रहा है। सिंगापुर भूटान में भी इसे लॉन्च किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड़ रुपए कार्ड हैं और देश में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन रुपए कार्ड से भी हो रहा है। इस कार्ड ने गरीब को भी सशक्त किया है, उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबिट कार्ड रख सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है, इसका एक और उदाहरण है पीएम स्वनिधि योजना। हमारे देश में तो रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंभव था। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री ही ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते थे। इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं। ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं, यानी अब उनके लेन देन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पीएम स्वनिधि में ये व्यवस्था की गई है कि 10,000 रुपए का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सैकड़ों रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट, फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए फिनटेक में अनेकों संभावनाएं हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि ई रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेमेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओस और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। मेरा राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई रूपी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साझेदारी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण को और गति देगी। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।